नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बीते वर्ष अभी यूपीएसआई एएसआई में बहुत सारे बच्चे चयनित हुए और देखा जाए तो टीम परीक्षा प्लस की तरफ से लगभग सैकड़ों की संख्या में बच्चे जो चयनित हुए थे। एक सर्वोत्तम जो सफल बैच था यूपी एएसआई बैच का, जो आपके स्टेनो के लिए, मिनिस्टेरियल के लिए अलग अलग पद निकला था और आप सब लोग उससे अज्ञात नहीं हो, सबको पता है। अभी उसके लेके जो अभी नियुक्ति आदेश है वो मुख्यमंत्री जी 6 जुलाई को आवंटित करने वाले हैं, जिससे संबंधित एक नई सूचना आई हुई है, ये मैं आपको बता दूं। और साथ में इस सेशन को बनाने के पीछे मेरा एक मकसद और है कि आपको मैं ये बता पाऊं कि इसके साथ ही ये जो अभी तक जो कार्य रुके हुए थे, इसके कारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में रुके हुए थे। क्योंकि जब कोई चीज सीधा शासन से टच में हो जाता है, इस समय मैं अगर आपको हाल बताऊं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का, तो हर एक अधिकारी जो कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड से संबंधित है वो केवल इस नियुक्ति पत्र वितरण के चक्कर में दौड़ा हुआ है। हर तरफ केवल हड़कंप इसी का मचा हुआ है और हर बार हर विभाग में यही होता है जब जब नियुक्ति आदेश का बटना होता है, क्योंकि योगी जी से सब लोग डरते हैं, यह बात तो पता ही होगा आपको। इसी कारण से अभी सारे ही कार्य पिछले 2-3 सप्ताह से बाधित थे। कल के बाद से ये हो जाने के बाद से आपके सारे कार्य तुरंत चल जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, जिसमें से 2-3 काम आपके होने, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 52,699 पद की वैकेंसी, उसके साथ ही रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम डेट और नई आपकी यूपीएसआई और एएसआई की भर्ती आपकी आने वाले 1-1.5 महीने में बैक टू बैक हर सप्ताह 2 सप्ताह में आपको कोई ना कोई खबर सुनने वाली है। तो इस बात को आप समझते हुए चलना। ये उन बच्चों के नाम है जिनको यहाँ पे नियुक्ति आदेश आवंटित होना है। मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे होते हैं सभी को नहीं मिलता है, कुछ बच्चे सॉर्ट किए जाते हैं और इसका कोई पैरामीटर नहीं होता, ये किस्मत पे डिपेंड करता है। अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल SC के द्वारा भी जो बहुत सारे बच्चे थे उनको भी यहाँ पे नियुक्ति आदेश आवंटित किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अगर आप देख सकते हैं तो ये वही सारी चीजें हैं। वहां से कुछ हमारे पास जो फोटोज होती हैं उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है। साथ में ही अब ये जो मैं आपको यहाँ पे जो नाम है, इन नाम को आप देख लो, इन नाम में इन सारे बच्चों को मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। और ऐसी 2 लिस्ट है, ये आपकी मिनिस्ट्रियल वाले SI मिनिस्ट्रियल जैसे KT केशरवानी, बहुत सारे ऐसे नाम है, ये लिस्ट आप देख लो। और इनको आज यहां तक सूचना मिल गई होगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से, लगातार कॉल भी आ रहे कि आपको यहाँ पे मौजूद भी होना है और कल जाके आपको लोक भवन में, है ना, वहां पे बापू भवन में जाके आपका नियुक्ति आदेश क्या होगा आवंटित भी किया जाएगा। हालांकि जो नए बच्चे हैं जो अभी नई भर्ती के लिए देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जो नई भर्तियां हैं उनमें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 52,699 पद, ऐसे यूपीएसआई एसआई के लगभग 9,000 पद सुनने को मिल रहे हैं अलग से, एक यूपीएसआई के भी आपके स्टेनो के पद अलग से ज्यादा है, इस बार लगभग 1300 पद फिर से आ रहे हैं, यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल वाला उसमें भी आ रहे हैं। बाकी आपके भी जो छोटे मोटे पद हैं उन सबके पद लगभग लगे हुए हैं, बस कहीं निविदाएं आमंत्रित की जानी है, कहीं पे कोई है, बट इतना मान के चलिए कि जो आपका 2024 का लोकसभा चुनाव है, हाँ, उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो अब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वैकेंसीज इसी वर्ष आपकी आ जाएंगी और अगले वर्ष तक चुनाव से पहले पहले आपके एग्जाम हो जाएंगे। रिजल्ट कब आए उसकी तो बात मैं अभी नहीं करूंगा। तो चैनल पे नए हो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।